हेलो एवरीवन, मैं हूं शीतल कावा और आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में। आज हम आ चुके हैं मेहंदी वाला घर के सेट पे और हम आज मिलने वाले हैं करण और श्रुति से, जो इन्होंने हमारे साथ मनाई है मकर संक्रांति और कुछ खास कमाल किया है। तो आप दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन था, क्या किया आपने बताइए। अब ज़्यादा हमारे बीच में क्या कॉम्पिटिशन हो सकता है, मतलब मैंने यहाँ पर मेहंदी वाला घर लिखा, हैप्पी मकर संक्रांति लिखा, उसने भी वही कर लिया फटाफट, कॉपी किया। चीटिंग तो हमेशा से करती है, बट अच्छे से हमने लिख दिया है। एंड हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, बहुत सारी नए साल की भी शुभकामनाएं एंड प्यार और सुखी रहिए। और हमारा मेहंदी वाले घर जो आने वाला है सोनी टीवी पे 9:30 बजे 23 जनवरी से, प्लीज़ इसे देखना भूलेगा मत। एंड बहुत कुछ है हमारे पास शेयर करने के लिए स्टोरी के थ्रू, तो देखिएगा। बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है एंड कमाल का काम किया है श्रुति ने उसमें, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उसे। और इसी के साथ साल का पहला फेस्टिवल आ चुका है मकर संक्रांति, तो क्या कुछ यादें जुड़ी है आपसे मकर संक्रांति के रिलेटेड, एंड चिक्की लड्डू जो हम खाते हैं वो घर पे बनाते हैं? ऑफ कोर्स आती हैं ये चीज़ें, हम लोग लोहड़ी तो अभी 14 तारीख को मतलब वैसे ही मनाएंगे, एंड ये सारी रेवी और ये सब चीज़ें हम लोग अपने कल्चर में भी उसमें आग में डालते हैं और फिर जब गर्म हो जाती हैं तो खाते भी हैं। एक तरह से इट इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ द विंटर टू द मतलब अब समर्स, स्प्रिंग समर जैसे आता है, नया साल भी है, तो घर में ये करते ही हैं, पतंग भी उड़ाते हैं, त्यौहार सब लोगों के साथ मनाते हैं, लव्ड वंस के साथ मनाते हैं। सो इट्स अ नाइस चेंज और साल की एक नई शुरुआत के लिए एक अच्छा ओमन माना जाता है इसको, तभी मनाते हैं हम लोग एज अ स्मॉल फेस्टिवल। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपनी फैमिली को, जब घर पे थी तो हाँ हम लोग सुबह से तैयारियाँ शुरू कर देते थे, और हम आई एम फ्रॉम बिहार, वहाँ पे हम दही और सब्ज़ी ये सब खाते थे मकर संक्रांति के दिन और पतंग उड़ाते थे, तो हाँ बहुत सारी मेमोरीज़ है। और अभी यहाँ पे यही परिवार है मेरे लिए और ऐसे ही हम सेलिब्रेट करेंगे मेहंदी वाले घर के साथ और मज़ा आ रहा है मुझे। और इसी के साथ हमारे पास चिक्की और ये भी है, सो प्लीज़ थोड़ा हो जाए मुँह मीठा। तो आप लोगों को खिला देते हैप्पी मकर संक्रांति, आपको खिला दीजिए, आप एक दूसरे को खिला दीजिए, एक दूसरे को खिला दें। हैप्पी मकर संक्रांति, थैंक यू, खिला ही दिया आपने। काफ़ी अच्छा भी है ना इसके लिए, कैसा लगा आपको चिक्की? अच्छा लगा, अच्छी है। सो चलिए थोड़ा आप पतंग उड़ाते हुए आपको देखते हैं, आपने पतंग पतंग उड़ाई आपने? हाँ हाँ उड़ाइए, क्यों नहीं उड़ाइए, छुट्टी जिस तरह पतंग का मतलब उड़ा रही है वो तो हो ही जाएगी, उड़ी जाएगी। नहीं नहीं, मैंने बस ये पकड़ा है, अभी भी मैं वही करूँगी, सर उड़ाएंगे और मैं सपोर्ट करूँगी, उड़ाते हैं, चलो लेट्स गो।